स्वागत है आपका कैरियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा, वर्तमान परिस्थितियाँ न किसी व्यक्ति के लिए, न किसी राष्ट्र के लिए, न किसी धर्म विशेष के लिए, किसी के लिए अनुकूल नहीं है। और जब बेटा परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो इसको आप अपने अनुकूल बनाइए, संघर्ष कीजिए, अपने दायित्वों का निर्वाहन कीजिए, काम कीजिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए। ठीक, इस लॉकडाउन का जो समय है, इसका पूरा उपयोग करें, पढ़ाई करें। आपके जो पेरेंट्स ने आपको दायित्व दिया है पढ़ने का, उसको पूर्ण रूप से निभाएं। ठीक, अब इस लॉकडाउन में जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के पास कुछ संसाधन की कमी होगी, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होगा ठीक से, या कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल समस्या आ रही होंगी आपको। तो हमारा इस जो YouTube चैनल है, ये आपको प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा और ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे हमारे YouTube चैनल पर, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा बेटे। ठीक है, इससे पहले बच्चे मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि हमारे YouTube चैनल पर पूरी क्लासेस चलाई जाएंगी, पर लॉकडाउन के चलते हमें क्लास को ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, ज्योग्राफी की 3 क्लासेस पढ़ाई जा चुकी थी। एक क्लास पढ़ाया गया था बेटा आपको ज्योग्राफी का परिचय। इस ज्योग्राफी के परिचय में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो चीज़ें पढ़नी बेटा। और इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था। इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे, एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था दो टॉपिक, भारत का नामकरण और भारत का अक्षांशीय विस्तार। जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे, वो जाकर जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लेंगे आप, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी का परिचय क्या है, हमारे जीवन में उसका उपयोग क्या है, और हम क्या पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, भारत का अक्षांशीय विस्तार है पढ़ाने के बाद, तो वहाँ उसका जो आंसर था बेटा वो रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है। ठीक है, समझ पाए हैं आप? जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नया लग रहा है, वो प्रीवियस का वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा मैंने क्वेश्चन क्यों दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, और आज का जो विषय रहेगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी आज का जो विषय होगा भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आज की जो क्लास होगी वो इसी बात पर होगी कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य परिचय में पहला क्लास था नामकरण का, दूसरा क्लास था अक्षांशीय विस्तार का, और आज तीसरा क्लास होगा भारत के सामान्य परिचय, सॉरी भारत के देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक, ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए पढ़ते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कैसे है, भारत हमारा देशांतरीय दृष्टि से कहाँ स्थित है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ग्लोब है, मैं यहां बनाता हूं बीच में ताकि आपको क्लियर हो, ये ग्लोब है बेटा। ठीक, भारत का देशांतरीय विस्तार समझना है आपको, अक्षांशीय विस्तार पढ़ा चुके हैं, देशांतरीय विस्तार आपको पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है 0 देशांतर रेखा, यह है 0 देशांतर रेखा। अब आप बताइए ये 0 देशांतर रेखा है, ठीक, तो इधर वाला डायरेक्शन बेटा, ये दिशा क्या होगी, ईस्ट होगा, ये वाली दिशा क्या होगी, वेस्ट होगी, यानी ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगा। तो 0 देशांतर रेखा क्या करता है, इस ग्लोब को, 0 देशांतर रेखा इस ग्लोब को
दो भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन डायरेक्शन किधर बांटता है? पूरब और पश्चिम। किधर? पूरब और पश्चिम, यानी जीरो देशांतर रेखा ग्लोब को पूरब और पश्चिम में बांटता है। ठीक, इस देशांतर की बेटा अच्छा सो देशांतर के एक चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोगों को पढ़ना है भारत के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारियां पढ़नी है। ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पर कहीं पर है बच्चे अपना भारत, ये है अपना भारत, ये अपना भारत है। तो बच्चे अब आपको शायद सवाल का जवाब मिल गया हो, भारत देशांतरीय दृष्टि से किधर है? पूर्वी देशांतर में। भारत देशांतरीय दृष्टि से किधर है? पूर्वी देशांतर में, यानी भारत का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ये सभी स्थान किधर होंगे? पूर्वी देशांतर। किधर होंगे? पूर्वी देशांतर में। ठीक, आगे बढ़ते, आप लोग मैथ तो पढ़े ही होंगे, एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। तो बेटा एक बताएं, अगर हम एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींचे, अगर ये एक डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है और 180 डिग्री है, तो ऐसे कितनी रेखाएं इधर होंगी? 180 रेखा होंगी, क्योंकि डिग्री कितना का है? 180 डिग्री। और अगर एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाएगी तो कितनी रेखाएं होंगी? 180 रेखाएं होंगी। तो बेटा यदि 180 रेखाएं इधर हैं, यदि 180 रेखाएं इधर हैं, तो इसका मतलब 180 रेखाएं पूरब हैं, तो 180 रेखाएं किधर होंगी? पश्चिम भी होंगी। 180 रेखाएं पूरब अगर एक एक डिग्री पर खींचा जाए तो 180 रेखाएं पूरब में होंगी और 180 रेखाएं किधर होंगी? पश्चिम होंगी। यानी इधर 180 रेखाएं होंगी, कितनी रेखाएं? 180, और इधर भी कितनी होंगी? 180। ठीक, यानी 180 रेखाएं इधर होंगी और 180 रेखाएं इधर होंगी। भारत किधर है? पूर्वी देशांतर में। ठीक, आगे बात समझिएगा बेटा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 180 रेखाएं कैसे हैं, जीरो भी तो एक रेखा है, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360, और अगर एक जीरो जोड़ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 361। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इस कवर को ध्यान से देखिएगा बेटा, पृथ्वी 2D आकार की है कि 3D आकार की है? पृथ्वी तो 3D आकार की है, ये दिख रहा है आपको? मैं ये दिख रहा है, इसका मतलब पृथ्वी 3D आकार की है, तो कुछ इस तरह होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जब मैं आपको अच्छा देशांतर पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल बताऊंगा आपको। ये दिख रहा है आपको, ये जीरो दिख रहा है, ये 80 दिख रहा है, अभी आपको 180 दो दिख रहा होगा। ठीक, अभी आप देखिए, जब आप इसको 3D कर देंगे तो 180 क्या दिखेगा? एक दिखेगा, ये देखिए जीरो और 180, इसका मतलब 180 क्या है? दोनों गोलार्धों में कामन है। बच्चे जब मैं आपको अच्छा देशांतर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसकी विस्तृत रीजन बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी 180 दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये 180 अब एक ही दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम मैप पर देखते हैं तब 180 हमें दो दिखता है। समझ पाए हैं बात आप? ठीक, तो ध्यान से देखिए, अब तो चाहे एक बार 180 इधर से काउंट कर लें तो फिर इधर कितना काउंट करेंगे? यानी अगर 180 एक बार पूरब काउंट कर लिया जाए तो इधर कितना काउंट किया जाएगा? 179। तो ध्यान से देखिए बेटा, 180, 179 और प्लस एक जीरो वाला कितना हो गया? 360। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीरो वाला रेखा जुड़ा हुआ है। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है, समझ पा रहे हैं कि मैं ही समझ रहा हूं? अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, अगर आपको समझ में
कुछ बातें नहीं आई, तो आप कमेंट कर कर बताएं। अक्षांश और देशांतर का अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपको विस्तृत जानकारी इसकी बताई जाएगी। ठीक, अभी हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना अक्षांश से विस्तार। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कितनी रेखाएं बेटा, कितनी रेखाएं होगी टोटल? 180, चाहे इधर से काउंट कर लें चाहे इधर से काउंट कर लें। तो दोबारा काउंट करना पड़ेगा, कितना? 179, और एक जीरो वाला कितना हो गया? 360, यानी कितनी रेखाएं? 360 रेखाएं। ठीक है, अब आगे बात ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे हमें पढ़ना है भारत का अक्षांश, भारत का देशांतरीय विस्तार, ये जानना है हमें। एक बड़ा सा ग्लोब बनाते हैं और ये पूरा ग्लोब है, दिख रहा होगा आपको, ये जीरो देशांतर लिख लेते हैं, ये जीरो डिग्री देशांतर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। इधर क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। ठीक है बेटा, ये बेटा है अपना भारत, ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा इधर कितनी रेखाएं हैं टोटल? 180 हैं, किधर? ईस्ट। और अगर यदि यल लगा दिया जाए बेटा, तो मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पूरब में कितनी रेखाएं? 180, यानी 180 ईएल, और 180 इधर भी होंगी। इधर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यल, यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, यानी 180 पश्चिमी देशांतर। ठीक है, जब 180 रेखाएं इधर हैं, तो यहां से बेटा, यहां से आप इसी जीरो से, इसी जीरो से बेटा, जब इसी जीरो से जब 68 डिग्री, कितना डिग्री? 68 डिग्री। और आप सब जानते होंगे एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक, तो जब 68 डिग्री, अब आपको एक डिग्री और नहीं जाना है, 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट, और इसी जीरो से बेटा 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट जाइए, बस भारत समाप्त हो जाता है। कितना? 97 डिग्री, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो गया है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसी जीरो देशांतर से जब हम 68 डिग्री 7 मिनट का एंगल बनाएंगे और 97 डिग्री 25 मिनट का एंगल बनाएंगे, तो भारत उसके बीच में पड़ेगा, और यही भारत का क्या होगा? देशांतरीय विस्तार होगा। समझ में आया है आपको बात? ठीक, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार। और किधर? यहां है बेटा गुजरात, यहां है बेटा गुजरात, और ये है बेटा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का गुजरात भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और भारत का अरुणाचल प्रदेश भी किधर है? पूर्वी देशांतर पर है, क्योंकि देशांतर रेखाओं ने बेटा पृथ्वी को केवल दो दिशाओं में बांटा है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, और हमारा भारत किधर है? पूर्वी देशांतर पर है। तो गुजरात भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना पूर्वी डिग्री पर? 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होता है पूर्वी देशांतर से लेकर, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी जो टॉपिक था हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो गया है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? भारत का देशांतरीय, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? भारत का देशांतरीय विस्तार
अड़सठ डिग्री सात मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई एल का मतलब बेटा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, वीडियो पॉज कर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देशांतर के बारे में कुछ जानकारी आपको और बताते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं और देशांतर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आराम से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। देखिए, एक छोटा मैप बनाकर एक बात क्लियर करते हैं आपको और कुछ। ठीक, ये हो गया बेटा ग्लोब, ये हो गया जीरो देशांतर। ठीक, जीरो देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, देखिए बेटा, एक देशांतर बराबर देशांतर रेखाएं दुनिया में टाइम मेजरमेंट के लिए हैं। ये वो देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो दुनिया में समय का मेजरमेंट करती हैं। ठीक है, एक देशांतर बराबर बाबू 4 मिनट का अंतर होता है बेटा। ठीक, कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये 1 डिग्री पर खींचा हुआ एक कोण है, ये 2 डिग्री पर एक खींचा हुआ कोण है, ये 3 डिग्री पर खींचा हुआ कोण है। अगर ये 1 डिग्री पर खींचा हुआ है, ये 2 डिग्री पर है, ये 3 डिग्री पर है, तो जैसे ही बेटा आप 1 डिग्री उत्तर जाएंगे, जैसे 1 डिग्री आप पूरब जाएंगे, जितना डिग्री एक एक डिग्री पूरब जाएंगे उतना 4-4 मिनट ऐड होता जाएगा। यानी हर देशांतर में कितना मिनट, 4 मिनट। अब बच्चे अब ध्यान से देखिए, ये था अपना प्यारा भारत, सॉरी, ये है अपना प्यारा भारत। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री, ध्यान से देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ समाप्त हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। इसका मतलब भारत यहाँ से यहाँ तक लेकर कितनी देशांतर रेखाएँ विस्तृत होंगी। इस देखिए, अब इसका ऐसे देशांतर रेखाएँ विस्तृत होंगी, इसका मतलब बीच में भारत के ये कुछ इस तरह देशांतर रेखाएं विस्तृत होंगी भारत के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, कहाँ से चालू हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से चालू हुआ भारत अपना, कितने डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से चालू हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पर ख़त्म हुआ है। तो बीच में कुल कितनी देशांतर रेखाएं फैली होंगी, लगभग 29 देशांतर रेखाएं फैली हैं, है ना। बीच में कितनी देशांतर रेखाएं, लगभग 29 देशांतर रेखाएं फैली हैं। और एक देशांतर बराबर कितना मिनट है, 4 मिनट। तो 29 देशांतर रेखाओं में कितना मिनट का अंतर आएगा, तो 29 × 4 कर देंगे, 116 मिनट का अंतर आएगा। इसका मतलब साफ है बेटा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम में कितना अंतर है, 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का क्या है, अंतर है। ठीक है, देखिए ये अंतर कैसे है, कुछ और बात ध्यान से देखिएगा। सूरज किधर निकलता है, सन का उदय किधर होता है, पूरब में। सन का उदय किधर होता है, पूरब में। नए मैप में आपको बताते हैं थोड़ा सा, देखिए यहां देखिए बेटा, यहां देखिएगा, सूर्य का उदय किधर होता है, पूरब में, जाहिर सी बात है। क्यों होता है, इसका हम लोग जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे इसका। ठीक, सूर्य का उदय किधर होता है बेटा, पूरब में। तो अब बताएं, सूर्य की पहली किरणें किधर पड़ेंगी, जितना पूरब होगा उतना पहले सुबह होगा, और जितना पश्चिम होगा उतना बाद में सुबह होगा। शायद ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि सूर्य किधर उगता है, पूरब में। तो जितना पूरब होगा उतना पहले सुबह होगा। ठीक है, तो देखिए भारत अपना कहां है, 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश है, और 68 डिग्री 7 मिनट क्या है, गुजरात में है। ठीक, तो पहले सुबह कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यह क्या है, गुजरात है,
और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और दोनों के बीच कितने देशांतर का अंतर है, 29 देशांतर का अंतर है। और 29 देशांतर का मतलब बेटा कितना, 2 घंटे। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का है। ये सवाल SSC के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। टाइम ज़्यादा कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सुबह क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए, ठीक। अब आगे तो ये हो गया देशांतर, देशांतर के बारे में जानकारियां, कुछ और जानकारियां भारत के संदर्भ में देशांतर के बारे में, ठीक है। चलिए आप नोट्स बना लीजिएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब भारत का सामान्य परिचय खत्म होगा तो वीडियो लिंक में डाल दिया जाएगा नोट्स को, आप वहां से PDF फाइल में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बाय हैंड राइटिंग में, ठीक है। अगर आप खुद से पिन डाउन करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपका अपना नोट्स होगा, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये ग्लोब फिर से बनाया गया और ये 0 देशांतर, देखिए ये हो गया बेटा 0 देशांतर, ठीक है। अब यह एक मैप, मैं आपको भारत के, भारत का मैप बना रहा हूँ यहीं से पहले, और इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझिएगा आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बात समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा थोड़ा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 0 देशांतर है, इस 0 देशांतर पर बेटा एक जगह स्थित है लंदन में, जहाँ जिसको आप बोलते हैं GMT, क्या बोलते हैं आप, GMT, और इसी GMT से बेचा टाइम चालू होता है। इसी GMT से जितना पूरब जाते हैं आप उतना टाइम प्लस करते हैं, ठीक, उतना टाइम प्लस करते हैं। टाइम प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि सूर्य किधर उगता है, पूरब में, ठीक है। और इसके जितना पश्चिम आते हैं उतना टाइम क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे क्या मशीन काम करती है, जो इसके पीछे जो टेक्निकल बातें हैं वो हम अक्षांश और देशांतर में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक। अभी भारत के संदर्भ में जानकारियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे पढ़िए। तो इस 0 देशांतर पर लंदन में क्या स्थित है, GMT, ग्रीनविच वेनेरियन टाइम। तो यहीं से समय शुरू होता, जितना पूरब जाएंगे समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जितना पश्चिम आएंगे समय क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, आगे देखिए। भारत कहां से चालू हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से, कहां समाप्त हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत अपना क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, ठीक है। अब बेटा ये बताइए, जब बीच में ऐसे रेखाएं फैली हैं, देशांतर रेखाएं, जब बीच में ऐसे देशांतर रेखाएं विस्तृत हैं भारत पर, कितनी देशांतर रेखाएं, ऐसे कितनी देशांतर रेखाएं, 29 देशांतर रेखाएं ऐसे विस्तृत हैं, ऐसे कितनी देशांतर रेखाएं, 29 देशांतर रेखा विस्तृत हैं। और देशांतर रेखाएं दुनिया में क्या नापती हैं, समय। तो बेटा बताओ, इनमें से किस देशांतर रेखा को भारत का मानक समय मान लिया जाए, क्योंकि भारत कहां से चालू हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत शुरू हुआ है। तो इनमें से भारत का मानक समय किस देशांतर को मान लिया जाए, जाहिर सी बात है सवाल उठना तय था, ठीक है। तो बच्चे दुनिया, भारत में वो देशांतर रेखा तय की गई जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दे, कैसे, देशांतरीय दृष्टि से वो कौन सी रेखा हो जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दे, ताकि समय में ज्यादा अंतर ना आए। तो इसके लिए क्या काम किया गया है कि भारत में एक रेखा माना गया, बाबू भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, यही क्या मान लिया गया, भारत का मानक समय रेखा। यानी 82.5 EL यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड भारत का क्या है, मानक समय रेखा। इसका मतलब भारत का मानक समय रेखा, या इसी को यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है, इसी को यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है बेटा। और ये क्या है यमोत्तर रेखा, भारत का मानक समय रेखा या यमोत्तर रेखा, 82.5
पूर्वी देशांतर, भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। बात समझ पाए हैं आप, भारत का क्या, मानक समय रेखा। अब एक बात और, अभी मैंने आपको बताया, यहां ध्यान से दीजिए, यहां उस ग्लोब पर वापस आइए, समय कहां से चालू हुआ है, जीरो देशांतर रेखा में, किस जगह से, जीएमटी से, और जीएमटी के जितना पूरब जाएंगे उतना समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अपने मोबाइल निकाल के चेक कीजिएगा बाद में बेटा, एक देशांतर बराबर कितना मिनट, अभी पढ़ा था आपने, एक देशांतर बराबर 4 मिनट है, और पूरब जितना जाते हैं, जितना ईस्ट जाते हैं उतना टाइम क्या करते हैं, प्लस, जितना पूरब जाएंगे टाइम क्या करेंगे, प्लस। तो बेटा बताएं आप, भारत का मानक समय किधर है, जीएमटी से, पूरब की पश्चिम, पूरब में है, कितना डिग्री पूरब में है, 82.5 डिग्री पूरब में है, तो एक देशांतर पर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना मिनट का अंतर होगा, ध्यान से देखिए, कितना मिनट का अंतर होगा, 82 × 4 कर लीजिए आप, क्योंकि एक देशांतर में कितना मिनट, 4 मिनट, तो 82 × 4, 4 × 8, 8 × 8 = 32, कितना हो गया, 328। और बेटा 82.5 है, यदि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना मिनट, 2 मिनट, तो आधा डिग्री में यदि 2 मिनट, तो कुल कितना हो जाएगा, 330 मिनट, और किधर, पूरब, और पूरब जाएंगे तो जीएमटी में टाइम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यही बेटा जब आप अपने मोबाइल में सेट करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है जीएमटी, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक टाइम, जीएमटी 5.5 घंटे प्लस लिखा रहता है, यानी भारत का मानक समय रेखा जीएमटी से कितना आगे है, भारत का मानक समय रेखा जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे क्या है, प्लस है, 5.5 घंटे क्या है, प्लस है। यह भारत का क्या है, भारत का मानक समय रेखा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, क्यों 5.5 घंटे प्लस है, क्योंकि भारत जीएम, भारत किधर है, पूर्वी देशांतर पर, एक देशांतर बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, कितना मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई हैं, एक बात बस और बची है देशांतर के बारे में, वो भी जल्दी से जान लेते हैं, ठीक है। एक बात बस और बची है इसके बारे में, आपको देशांतर के बारे में, ये देखिए बेटा, एक मैप और बना देता हूं आपके लिए, और ये लास्ट बात है इस वीडियो का, और ये भारत का देशांतरीय विस्तार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, ये हो गया मैप बेटा, ठीक है, ये हो गया बच्चे अक्षांश, ये हो गया बेटा देशांतर रेखाएं विस्तृत हैं जो भारत पर, ये वो हो गई जो देशांतर रेखाएं विस्तृत हैं, ठीक है। ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, जो 82.5 डिग्री देशांतर है, ये यही भारत का क्या है, यमोत्तर समय रेखा या मानक समय रेखा, ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा बेटा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, वो कौन कौन से राज्य हैं, यहां ध्यान से देख लीजिएगा, एक सिंपल सा मैप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर आप, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए, ठीक। एक राज्य हो गया बेटा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितने राज्य हो गए, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ये भारत का मानक समय रेखा लिया कहाँ से गया है, तो बच्चे यही उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, और इसी मिर्जापुर में बेटा है एक चौराहा जिसका नाम है अमरावती, और इसी अमरावती चौराहे पर बेटा लगा हुआ है IST का बोर्ड, इसी अमरावती चौराहे पर क्या लगा है, IST का बोर्ड, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है मिर्जापुर, ठीक है। कुछ किताबों में बेटा यह नैनी मिलता है, कुछ किताबों में ये नैनी लिखा मिलता है, कुछ किताबों में ये नैनी लिखा मिलता है, ये गलत है बेटा, नैनी से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नैनी से बेटा 1906 से पहले, आप लिख लीजिएगा 1906 से पहले, 1906 से पहले
भारत का मानक समय रेखा बेटा, समय रेखा 80 पूर्वी देशांतर माना गया था, और जब यह 80 पूर्वी देशांतर माना गया था तब यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता था। यानी 1906 से पहले जब भारत का मानक समय रेखा 80 पूर्वी देशांतर माना गया था तब यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता था बेटा, लेकिन जब भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर माना गया है तो आप गूगल कर लीजिएगा, भारत का मानक समय का बोर्ड लगा हुआ है अमरावती चौराहे पर, यानी IST का बोर्ड लगा हुआ अमरावती चौराहा, और ये अमरावती चौराहा बेटा कहाँ है, मिर्जापुर में है। ठीक है, ये भारत के बारे में देशांतरीय विस्तार के बारे में पूरी जानकारी आप तक हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ठीक है और मिलते हैं। आप आइए पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बेटा यदि आपको लग रहा कि ये आपके काम की चीज़ें हैं तो इसको दूसरे तक शेयर कीजिए, पूर्ण उपयोग कीजिए इस वीडियो का, हमारे साथ जुड़िए, आपको पूरी GS प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थ हमसे जुड़िए, सेवार्थ जाइए बेटा, यानी शिक्षार्थ आइए हमारे पास, और चयन प्रक्रिया में जब आप चयन हो जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है सेवा सर्विस में जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे और जाके सेवा दीजिए। यही कोटेशन है हमारे चैनल का कि शिक्षार्थ जुड़िए हमसे, सेवार्थ जाइए। ठीक है, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।